रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी गया नहीं। ओ दादी आप क्या हो? तेरे में है ये सेंधा है झलक तेरा हिलदा रहंदा है। सुन मेरी पोता बहू मेरा मतलब है कि माय लिटिल मिनी जिमी तुम यहाँ? जीनी, मैंने सोचा था ये मुझे ऐसे गेटअप में पहचान नहीं पाएगी, लेकिन मैं भूल गई थी ये औरतें मुझे आसानी से पहचान लेती हैं। लिटिल मिनी, तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ दादी, ये मेरी बेस्टी है। ओह भाई दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ बताइए बताइए, मैंने भी आपसे यही क्वेश्चन किया था। ओह हाँ मुझे याद आया, ये लड़की तुम मेरी रिंग देती हो या नहीं? तो दादी आप भी यहाँ हैं? हाँ ये दिल है मेरी, तुझको ही सोचेंगे अब। अब कौन है? हाँ ब्रांच, हाँ मैं। तेरी ख्वाबों में रखेंगे बंद हम। हाँ सब हम सोई। शुगर तुम यहाँ? जोनी तुम भी यहाँ हो? तुम यहाँ क्यों आए? आज मैं चैन से अपनी पोता बहू को देख नहीं पाऊंगी। ओह ओह वाओ, ये भी हैंडसम है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हमेशा की तरह मॉम डैड ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है। आईश, अब आप फिर से मिशन पे लग गई? हाँ वो तो मैं लग ही रहूंगी ना। वैसे शुगर, इस लड़की ने मेरी रिंग चुरा ली और मुझे वापस नहीं दे दी है। क्या नहीं दे दी है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम वापस कर दो, इससे पहले मैं कुछ कर दूं। और इसने मुझे बुरा भला भी कहा था, मुझे भी। ओह नो, मेरी मंगेतर होते हुए किसी और से हेल्प मांग रही है? बेबी जूनी बेबी, ओके मैं इसे देखता हूँ। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये हमेशा मेरी केयर करता है, लेकिन केयर ना करने की एक्टिंग करता रहता है। लिटिल मिनी, हम दोनों एंजॉय करते हैं। ओके दादी। ओके ओके मैं कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करो। हाँ करता हूँ ना। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? हाँ मेरा जंकुक मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। अब तो और भी आसान हो जाएगा लड़की ढूंढना। का समंदर पानी के। दादी चिल्लाइए मत, जंक ब्रांड। हे ब्रो, हाँ तुम दोनों, हे तुम दोनों हटो, मुझे एक बात करने दो। ब्रांड कैसे हो तुम? ऐसे लगता है दादी को पकाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनकी तो पूरी फैमिली हैंडसम है। मैं वो आयुष, जाने दो, मैं जानती हूँ तुम ठीक ही होगे। ब्रांड तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए लड़की सर्च कर रही हूँ। क्या? नहीं नहीं दादी, किसी भी चुड़ैल को मत ढूंढो। मैंने कहा था ना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम चुप रहो, हमने सही टाइम पे कॉल कर लिया, नहीं तो पता नहीं कौन सी चुड़ैल दादी को मैनिपुलेट कर लेती। ये तो तेरा ना, ये सच है ये सपना?
कौन है ये? ये सच में जंकू की है ना या कोई और है? मुझे लगता है मैं दिन में सपने देख रही हूँ। जिमी जी, जूनी भाई, ते ये तो मेरा रिएक्शन होना था ना। ते तुम, यो ते, कैसी हो? तुम सबका हो गया? आप सब शॉक क्यों हो गए और चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से बात करो ना। हाँ, हम बहुत शांति से बात कर रहे हैं, भूकंप के जितने। आउच दादी, शट अप इडियट। हे लिटिल गर्ल, क्या तुम मेरी होने वाली पोता बहू हो? हाँ दादी, मैं आपकी होने वाली पोता बहू हूँ। ये कब हुआ? मॉम डैड ने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी कि तुम इन दादी की बहू बनने वाली हो? मोची बेबी, माय स्वीट हार्ट, मेरी जान, मेरी चिमनी। बस बस बस, बहुत हुआ, डायरेक्टली बोलो जो भी बोल रहा है उसके। हाँ, मुझसे स्वीट वर्ड्स डाइजेस्ट नहीं होते, स्पेशली तुम्हारे मुंह से। बोना मैं। हाँ बोलो ना, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बोलो, बताने में कितने साल लगाओगी? आयुष तुम सब चुप रहो, इनको दिखने रहा इस टाइम में कितनी क्यूट लग रही हूँ। म्यूजिक। जिमिनी, मैंने तुम्हें उस दिन एक हैंडसम के बारे में बताया था ना? हाँ, तो वो हैंडसम ये हैंडसम है? हाँ, क्यूट भी है, मत करो, अगर किसी को तुमसे प्यार हो गया तो सिर्फ तेरी रहूंगी, तुझसे है वादा ये मेरा। हमें ये सब दिखाना बंद करो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फाइनली मुझे मेरी एक और पोता बहू मिल गई। एक और मतलब? मेरा मतलब कि ये एक बहू है और वो और है, क्योंकि वो पहले से ही मेरी बहू है। क्या बोल रही है दादी? दादी इन सबको जाने दो, आप मुझसे बात कीजिए। मेरी होने वाली बहू, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माइसेल्फ, आई एम किम तायोंग। मैं 22 साल की हूँ, जल्दी ही 23 हो जाऊंगी। डोंट वरी दादी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सारी चुड़ैलों को हैंडसम के करीब नहीं आने दूंगी। इसका मतलब मेरी दोनों बहुएं बहनें हैं। मैं तेजे बोलूंगी कि वो मेरी जिमिन और शुगा को एक करने में मेरी हेल्प करें। वाओ माय लिटिल गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ दादी, आप बहुत सुंदर हो। हाँ वो तो मैं हूँ, मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। हाँ दादी, आप बहुत खूबसूरत हो। अब देखो हम कितने करीब आ गए हैं, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है कि अब आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। क्या ब्रेन वॉश? आयुष जाने दीजिए, दादी क्या थी ये मुझे भूल गई। तो क्या अब हम भी बात कर ले? जी नहीं, तुम जल्दी से वापस आओ, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगी। मेरा फोन एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता फिर रहा है। माय डियर सिस्टर, जिमी ना, यू इडियट स्टूपिड ब्ला 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 ब्ला। मैं तो इसे स्वीट एंड स्वामी टाइप गर्ल समझता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी वाली। उप्स, क्या हो गया? डोंट वरी गाइस, मुझे इसकी आदत है, मेरी फिक्र मत करो। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था? मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी और तुमने सरप्राइज दिया, वो भी आइटम बम जैसा। आई एम ग्लैड मैंने तुम पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। अब सब कुछ एक तरफ रख दो, अब भाई का क्या? लोल, मैं उनके सारे रिएक्शन इमेजिन कर सकती हूँ। मुझे अभी मत बताओ, उन्हें अभी मत बताना, नहीं तो वो मुझे जिंदा खा जाएंगे। कौन तुम्हें जिंदा खा जाएगा? बॉम्बास्टिक साइड आई। बोलो आप, वो क्या रहा है? सिंपल सी वीडियो कॉल है और इतने सारे लोग। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये किम एम्पायर का सीईओ है, इसका मतलब ये इन दोनों बहनों का भाई है। वाह, बस एक ही दिन में मैं इसकी आधी फैमिली से मिल ली। इससे शादी की बात करके शादी की तारीख फिक्स कर देती हूँ। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम सब रोड के बीच रास्ते में खड़े हो, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम सबको रोड के बीच में ड्रामा कर रहे हो। ओह हम तो भूल ही गए थे हम रोड के बीच में। हाय, आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। ओह माय लिटिल टेटे, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।
इसका मतलब भाई मैं इससे पहले की कोई बात ही नहीं सुनी। थैंक गॉड। बाय द वे तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? और तुम यहाँ इस फोन पे वीडियो कॉल क्यों कर रही हो? वो मैं तो तुम मेरे होने वाली पोता बहू के भाई हो। मैं क्या करूं, मैं हंसना तो चाहती हूँ या फिर शॉक हो जाऊं। सब ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? ओह मुझे अभी याद आया, तूने मुझे अपने भाई के लिए वार्निंग दी थी। पोता बहू का भाई वो कौन है? ये कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ? तुम जिमिना के भाई हो ना? दादी अगर आप ऐसे ही बोलती रहे तो ये शादी आपका पोता बहू बनाने का सपना और मेरा हैंडसम को अपना हस्बैंड बनाने का सपना खतरे में पड़ जाएगा। हाँ मैं हूँ। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैं बोल रही हूँ ना, हेलो हेलो। तो इसका मतलब तुम मेरी पोता बहू के भाई हो। ये कब हुआ? 3 साल पहले आज। क्या, और वो आदमी कौन है? ऑफ कोर्स मेरा ग्रेट ब्रांचियन जंगकुक। बॉम्बास्टिक साइड आई भाई। अच्छा तो वो आदमी तुम हो? आहा, उसे कोई मामूली सा इंसान मत समझना। ही इज द यंगेस्ट ग्रेट जनरल, आफ्टर ऑल वो मेरा पोता जो है। मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था दादी। तो माय ग्रैनी, आई लव यू। मेरी दादी फिर शुरू हो गई। ओ तो वो अभी भी इंसान है? तो तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स वो इंसान ही है। हैंडसम, मुझे लगता है दादी मेरे भाई को अकेले ही हैंडल कर लेगी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, वो हमेशा से ऐसी ही है। आई लव यू दादी। बॉम्बास्टिक साइड आई। नहीं तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। ओ मैं जंगकुक से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ठीक है। हाँ लेकिन मैं अग्री नहीं हूँ कि मेरी बहन आपकी पोता बहू बनेगी। वो बनेगी, मैंने फैसला कर लिया है। नहीं मैं उसे आपको नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे मॉम डैड को एग्री कर लूंगी, फिर देखते हैं तुम मानते हो या नहीं। मैं थक गई हूँ, अब और खड़ी नहीं हो पाऊंगी। ओ जाना ओ जाना, मेरा सहारा लेकर खड़ी हो जाओ। तुम्हारी दादी हमेशा से ऐसी है? हाँ वो हमेशा से ऐसी ही है। आई लाइक हर। लेकिन वो पहले से ही मैरिड है, उनका उनका पति भी है। आह मिस्टर लिंगी आप भी ना। क्यूट। बॉम्बास्टिक साइड आई, क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड। ते जंगकुक भाई, हाँ ये आवाज, वाओ क्या टाइमिंग है। ओके आर्मी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा बाय, टेक केयर, बाय।